देखिए, फंक्शन दिया हुआ है इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू, फंक्शन क्या है पहले से डिफरेंशिएबल करा है जीरो पर, देन ए बी सी किसको सेटिस्फाई करेगा। चलिए सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वेट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा देखो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर माइनस एफ, जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो बाई में माइनस का एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर माइनस एफ माइनस का एच माइनस का एफ जीरो बाई में माइनस का एच। चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर में माइनस एफ माइनस एच, तो इसमें रख देंगे ए मोड में साइन माइनस एच प्लस बी ई टू द पावर मोड में माइनस एच प्लस सी यहाँ माइनस एच का क्यूब और फिर उसी में माइनस जीरो रखेंगे, तो ए साइन जीरो ठीक है, बी ई टू द पावर मोड जीरो और प्लस सी जीरो का क्यूब ठीक है ना हो जाएगा, और बाई में आपका एच माइनस का है। आगे देखते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो मानो माइनस, इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन एच होगा लेकिन मोड में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ए साइन एच प्लस बी ई टू द पावर एच प्लस सी एच यहाँ पे क्यू और माइनस ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ बी यहाँ बचेगा क्योंकि ई टू द पावर जीरो वन हो जाएगा तो बी बच जाएगा, और बाई में यहाँ माइनस का एच। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसमें ना एक काम करते हैं अलग अलग डिवाइड कर देते हैं और इसको एक साथ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर माइनस इसके साथ ये लेंगे, माइनस बाहर लगा देंगे, ए साइन एच बाई एच हो जाएगा, ये ए को भी चाह रहा था बाहर ही कर देने के लिए। चलिए तो एक काम करते हैं, माइनस पे भी यही रहने दो, अगले स्टेप में किया जाएगा। प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर माइनस इसमें से बी कॉमन कर लेते हैं, ई टू द पावर एच माइनस वन बाई माइनस एच, और फिर प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर माइनस सी एच क्यूब बाई माइनस का एच। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ माइनस ए कॉमन कर लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर में माइनस साइन एच बाई एच, और प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी माइनस और बी निकाल लेते हैं, तो माइनस बी निकाल लेते हैं, हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू द पावर एच माइनस वन बाई एच। अब यहाँ पे देखिए प्लस एक एच से कट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी लिमिट एच टेंस टू जीरो यहाँ पर एच स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग माइनस ए इंटू वन प्लस में माइनस बी इंटू में वन और प्लस माइनस सी इंटू में जीरो हो जाएगा, यही ना बचेंगे माइनस ए माइनस बी। अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव तो हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश जीरो पावर में प्लस क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर में प्लस एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो और बाई में यहाँ एच है ना जी, यानी हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर में प्लस एफ एच माइनस एफ जीरो बाई में एच है ना जी। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी फंक्शन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, फंक्शन जो था उसके अकॉर्डिंग लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर में प्लस क्या हो जाएगा, फंक्शन में रखेंगे तो ए साइन एच मोड में है और प्लस बी ई टू द पावर मोड एच और फिर प्लस सी मोड एच का क्यूब माइनस ए मोड में साइन जीरो प्लस बी ई टू द पावर मोड जीरो और प्लस सी जीरो का क्यूब और बाई में यहाँ पे एच। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए साइन एच प्लस बी ई टू द पावर एच प्लस सी एच क्यूब माइनस यहाँ पे सिर्फ बी बचेगा और बाई में एच। अब उसी तरह से ऊपर वाले की तरफ भी यहाँ भी करते हैं अलग अलग, लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर में प्लस यहाँ पर ए साइन एच बाई एच प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर में प्लस बी और इसमें से कॉमन कर लेंगे तो ई टू द पावर एच माइनस वन बाई एच प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर में प्लस सी एच क्यूब बाई एच, एक एच से कर जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ए कौन से निकाल देते हैं ए लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर में प्लस साइन एच बाई एच, बी कौन से निकाल देते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर में प्लस ई टू द पावर एच माइनस वन बाई एच और प्लस यहाँ सी कौन से निकाल देते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर में प्लस
एच स्क्वायर। तो यहाँ देखिए इसका वन हो जाएगा, इसका भी वन हो जाएगा और वहाँ जीरो आ जाएगा, सी इंटू जीरो, यानी यहाँ ए प्लस बी आ जाएगा। तो अब चूंकि आपके पास क्वेश्चन में कह रहा था कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो जब ये डिफरेंशिएबल है तो हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव के, एफ डैश जीरो पावर में प्लस। तो यानी ये आया था माइनस ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, यानी फाइनली आप इसे ए प्लस बी इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी जीरो, एंड सी की बात करें तो अगर हम लोग सी की बात करें तो सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि सी के बारे में हम कुछ रिलेशन नहीं आ रहा है। ए प्लस बी जीरो होने का मतलब है ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो, ऑप्शन के हिसाब से देखें ए और बी जीरो तभी होगा जब दोनों सेपरेटली जीरो हो और एक्स सी रियल नंबर, यानी कि बी नंबर आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन के हिसाब से ही ना दिख रहा है। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि सर एक और इक्वेशन बना के बनाइए, तो आप इसको कंटिन्यूटी को लेकर, ये डिफरेंशिएबल है तो जीरो पर कंटिन्यूस भी होगा और उस पर दूसरा इक्वेशन लेके भी दिखा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन